शेखर जी से, सर आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सारी उपलब्धियां जो 8 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियां थी लोगों को बताना था, और 8 साल में जो भारत का विकास हुआ है, न केवल आंतरिक विकास बल्कि जो हमारे स्तर पर जो हम लोगों का आज हम लोग का बोलबाला है मोदी जी की वजह से, आज दूसरे देशों के लोग भी हमसे मदद मांग रहे हैं, चाहे वैक्सीन का हो, आज गेहूं की आवश्यकता खाड़ी देशों को है, तो सब लोग भारत के सामने पास आ रहे हैं। तो ये मोदी जी के जो बदलाव मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है तो वो लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। गरीबों के लिए सरकार क्या कर रही है? आपको पता है, अब सारी योजनाएं मैं गिनवाऊंगा तो फिर, चाहे बिजली की हो, चाहे उज्ज्वला की हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे बीमे की हो, आयुष्मान की हो, सारी गरीबों के लिए ही है हर एक योजना। ये 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत का खजाना अब गरीबों के लिए होगा, उद्योगपतियों के लिए नहीं, गरीबों के लिए होगा। जो भी योजना होंगी उनको देखते हुए बनाई जाएंगी, तो वही उसी लक्ष्य को हमने प्राप्त किया। और सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ, जो डायरेक्ट डेबिट हुआ है, जो सीधे उनके खाते में जन धन योजना इसीलिए खोली गई थी कि वो जो पैसा है पूरा उनको मिले, जो पहले नहीं मिलता था। सर थोड़ा सा हट कर सवाल करते हैं, आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव पर, चूंकि आप आजमगढ़ कई बार गए हैं और अपने भारतीय जनता के पार्टी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जिताने के लिए आपने एक माहौल बनाया है, क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में वहाँ कमल खिलेगा? नहीं, हमें तो पूरा विश्वास है, इस बार पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और दिनेश जी ने काम किया है और पूरी पार्टी लगी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि इस बार आजमगढ़ में फिर कमल खिले और अच्छी तरह खिले। हम मेरे को पूरा विश्वास है कि इस बार अच्छी जीत होगी बड़े मार्जिन से। आपके पुराने साथी अखिलेश यादव वहाँ के सांसद थे, अब उन्होंने सीट छोड़ दिया, अब उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि वो सीट समाजवादियों की रही और समाजवादी के ही झोली में जाएगी। ये कहना अब ये मैं नहीं जानता कि किसी के झोली में जाए, ये नहीं, समाजवादियों की सीट कुछ नहीं होती है, समाजवादी विचारधारा एक है जिसको वो समाजवादी पार्टी भूल चुकी है। तो इसलिए ये सीट जहाँ जो काम करेगा, जो गरीबों के लिए काम करेगा, जो राष्ट्रहित में काम करेगा उसको जाएगी, और वहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं। मैं आजमगढ़ में बहुत काम किया पिछले 2 सालों में, मैंने मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ के जो हमारे उम्मीदवार दिनेश जी हैं उनको भारी मतों से वहाँ के लोग जिताएंगे। आप देखिएगा, परिणाम आने दीजिए, आपके सामने हो। सर आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए क्या क्या भूमिका है आपकी, कब कैसे कैसे जनसंपर्क हो रहा है? सारे लोग, मैं हम तो लगे ही हुए हैं, सारे पूरा प्रदेश, वहाँ हमारे बलिया जिले के जो मंत्री हैं दयाशंकर जी पिछले कई दिनों से वहीं कैंप कर रहे हैं, कई मंत्री, कई विधायक, कई सांसद पूरे लगे हुए हैं, और विशेषकर क्योंकि हमारे मंडल में पड़ता है, बलिया से बहुत सारे नेता और हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचकर घर घर जाकर डोर टू डोर लोगों को अपनी नीतियाँ बताएंगे, अपने कार्यक्रम बताएंगे, योजनाएं बताएंगे कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनते हैं तो कैसे आपका विकास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद नीरज शेखर ने कहा कि आजमगढ़ में कमल खिलेगा और इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ वहां के सांसद होंगे। जो भी ये ठीक है कि आजमगढ़ सीट से पहले कौन था सांसद, उस पर उन्होंने कहा कि अब समाजवादी विचारधारा के लोग नहीं हैं, अब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीतेगी और कमल खिलेगा और आजमगढ़ का विकास होगा। अब नीरज शेखर ने खास तौर पे बलिया आजकल से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा। अब तक की खबरों में बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल, बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।